पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अकाउंटिंग प्रोसेस, और उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर में देख रहे थे सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आपको हम ये बता चुके थे कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी है। अगर आपने माल बेचा है भैया तो सेल बिल आपको चाहिए, अगर आपने परचेज किया है तो परचेज बिल आपको आपको चाहिए, अगर आपने वेजेज पेमेंट किया तो वेजेज का रसीद दे दो, अगर आपने सैलरी पेमेंट किया सैलरी का रसीद दे दो। जब तक हम रिसीप्ट नहीं देखेंगे तब तक हम उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे। मीन्स एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, एक आपको प्रमाण पत्र चाहिए। बिना प्रमाण पत्र का कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर देंगे, क्योंकि करेंगे तो आगे अकाउंटिंग मिस्टेक होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। रिकॉर्डिंग तो हम लोगों ने कर लिया, अब क्लासिफिकेशन करेंगे। अब खुद सोचिए कि क्लासिफिकेशन का नीड क्या है, जरूरत क्या है। क्या रिकॉर्डिंग से ही काम नहीं चल सकता था? सारा का ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, सब तो लिख दिए, फिर क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या है? तो बताइए, अगर एक दिन में आपके यहाँ 500 ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपने 500 ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। अब उसमें सर रमेश अचानक आपके पास आता है, रमेश एक पार्टी है आपके साथ डील कर रहा है, आता है बोलता है सर मेरा कितना पैसा बनता है बता दो, और कब कब हम खरीदे या बेचे हैं या पेमेंट किया आपके साथ वो हमको बता दो। तो क्या जर्नल में 500 ट्रांजेक्शन को ढूंढना तुरंत ढूंढ सकते हैं? ढूंढ तो लेंगे, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लगेगा। क्या तुरंत में उसका रिजल्ट दिया जा सकता है? 500 में ढूंढना पड़ेगा, कब लिया कब दिया कब लिया कब दिया कब लिया, फिर एड लेस करते रहो। क्यों ना हम एक जगह पर ऐसा काम करें कि 500 ट्रांजेक्शन अपने जगह पर है ही, उसके बाद हम क्या करेंगे, रमेश का सारा ट्रांजेक्शन छांट के एक जगह, कैश का सारा ट्रांजेक्शन छांट के एक जगह, महेश का सारा ट्रांजेक्शन छांट के एक जगह, सेल्स का सारा एक जगह, परचेज का सारा एक जगह। अगर इस तरह से क्लासीफाई कर दें अलग अलग पार्ट्स में तो मेरे लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ईजी होगा या टफ होगा? ईजी होगा, आसान होगा। तो हम कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी टफ काम उसको ईजी वे में प्रेजेंट करें। तो जब हम जर्नल करते हैं यानी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वैसे केस में हम लोग जर्नल तो कर लिया, बताइए 1000 ट्रांजेक्शन किसी के यहाँ होता है, किसी किसी के यहाँ तो 5-5 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो जिसके यहाँ 20 हज़ार ट्रांजेक्शन होते हैं, सोचिए कि वहाँ पे आपको किसी पार्टी का पूरा अकाउंट्स निकाल देना, उसका हिसाब निकालना कितना टफ पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि क्यों ना बताइए बैंक के हम एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए बैंक में कितने करोड़ों अकाउंट्स होते हैं, किसी किसी बैंक के 26 करोड़ अकाउंट्स हैं। अब 26 करोड़ अकाउंट्स में से 26 करोड़ कस्टमर उसके यहाँ खाता खुलवा रखा है पूरे बैंक में। अब 26 करोड़ में से किसी एक पार्टी का पूरा हिसाब कर पाना टफ होता या इजी होता अगर रिकॉर्डिंग ही करते तो? बहुत ही टफ होता है, हम तो बोलते हैं इम्पॉसिबल था कि एक पार्टी का 26 करोड़ लोगों में से सेलेक्ट करके उसका डेबिट क्रेडिट पूरा हिसाब एक जगह बता देना, ये टफ था। लेकिन बैंक क्या किया, बैंक बोलता है रिकॉर्डिंग तो अपने जगह पे है, सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन करता है, उसको सेलेक्ट करके एक लेज़र में डाल देता है जिसको आप लोग बोलते हैं अकाउंट खोलना, उसके नाम से सेपरेट अकाउंट खोल दिया। अब जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसी में डालता है, और उससे विड्रॉ करता है तो उसी में डालता है। तो उससे क्या होता है, एक पार्टी का सारे रिकॉर्डिंग एक जगह रह जाता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इजीली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आसानी से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो रिकॉर्डिंग हुए ट्रांजेक्शन्स उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई कर देंगे, सेपरेट अकाउंटिंग कर देंगे, सेल्स का एक जगह पे, परचेज का एक जगह पे, कैश का एक जगह पे, ताकि आसानी से हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें दूसरे को भी और अपने भी। तो चलिए लिखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। बोलता है क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विथ द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड डाटा ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा with a view to group transaction or entries of one nature एक जैसा जितने भी होगा उसको एक जगह पे लिखो।
वन नेचर एट वन प्लेस, एट वन प्लेस सो एज टू पुट इन्फॉर्मेशन, सो एज टू पुट इन्फॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म, इन कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म दिस बुक इज नोन एज लेजर बुक। ध्यान दीजिएगा, दिस बुक इज लोन एंड एज लेजर बुक। जहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करके एक पार्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन, देखिए सेम नेचर यहाँ लिखा हुआ भी है, एंट्री ऑफ वन नेचर, जो एक ही नेचर की एंट्रीज है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, लेजर। क्लासिफिकेशन का मेन काम होता है लेजर क्रिएट करना, क्लासिफिकेशन का मेन काम क्या है, लेजर क्रिएट करना। हम लेजर क्रिएट करेंगे रमेश का एक जगह, गणेश का एक जगह, ताकि ईजी हम लोग ईजिली अपना इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सके। अब रमेश आया ना, माइक्रो सेकेंड में बता देंगे उसका अकाउंट्स में क्या है, उसका हिसाब किताब माइक्रो सेकेंड में बता देंगे, किस डेट में खरीदा, कब हम लोग को पेमेंट किया, कौन कौन से डेट में, डेट वाइज बता देंगे, अगर हमने सही से क्लासिफिकेशन कर रखा तो। जैसे बैंक में आप देखिएगा, आप चार साल पहले क्या किए थे, 4 जून 2017 को, वो भी आपको बैंक बता देगा, किस बैंक में निकाले थे, कहाँ के ATM से निकाले थे, कहाँ पे सामान खरीदे, कहाँ पे पेमेंट किए, सारा कुछ बैंक आपको कभी भी अवेलेबल कर सकता है। ये है पावर किसका, क्लासिफिकेशन का, जो कि जर्नल में पॉसिबल नहीं था। जर्नल में अगर चार साल पहले छोड़ दिए, एक साल पहले का तो डेटा दे ही नहीं सकते, थक जाइएगा ढूंढते ढूंढते, और कहीं रमेश दो निकल गया तो पता चला किसी और का इन्फॉर्मेशन किसी और में चिपका दिया, ये भी गलती होती है। लेकिन यहाँ पे अगर रमेश दो है तो क्या करेंगे, रमेश दो नहीं 2000 भी रमेश रहे ना, तो बैंक क्या कर रखा है बताओ जी, नाम से खाता खोलता है या अकाउंट नंबर दे रखा है, अकाउंट नंबर तो सेम नहीं होगा, क्योंकि रमेश तो देश में 50,000 भी हो सकते हैं, 5,000 लोग रमेश कुमार हो सकते हैं, फादर्स नेम भी शायद संजोग से मैच कर गया, नाम मैच कर रहा, फादर्स नेम मैच कर रहा है उसके बाद, लेकिन अकाउंट नंबर तो मैच नहीं करेगा ना, आपका अकाउंट नंबर कभी दूसरे को नहीं दिया जा सकता, एक ही अकाउंट नंबर रहेगा जो आपके पास है। इसलिए बैंक बोलता है नाम से अकाउंट तो नहीं ओपन करेंगे, अकाउंट नंबर देंगे और उसी नंबर से हम अकाउंट ओपन करेंगे। आपका नाम मैटर ही नहीं करता, जब भी आप देखो अकाउंट नंबर नेसेसरी होगा कि अकाउंट नंबर पहले डालो, नाम मैटर नहीं करता, नाम तो डालो, कोई भी डिपॉजिटर हो सकता है, कोई भी आपके अकाउंट में डिपॉजिटर हो सकता है, कोई भी पैसा जमा कर सकता है, बट अकाउंट नंबर सही होना चाहिए तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, लेजर। तो सबसे पहला है जर्नल, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, और क्लासिफिकेशन का मतलब लेजर। अब हम लोग देखते हैं समराइजिंग करना, समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग को, क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना। तो समराइज करेंगे, समराइजिंग में क्या करेंगे, जब लेजर बन गया, सोचिए अगर 5000 लेजर बन गया, तो 5000 लेजर इधर उधर बिखरा हुआ, उससे अच्छा कि एक जगह पे उसको लिख दीजिए 5000 लेजर को। जैसे रमेश का हम फाइनल बैलेंस लिखेंगे, रमेश का डेबिट क्रेडिट करके प्लस माइनस करके 15000 रुपये डेबिट बचा है, रमेश का जब हिसाब कर लिए तो 15000 रमेश का डेबिट बचा है। तो क्या करेंगे, अब उतना बड़ा बड़ा लेजर रख के क्या फ़ायदा, सीधा हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे रमेश और डेबिट में लिखेंगे 15000। सेल्स का क्रेडिट में 16,75,000, तो सेल्स लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 16,75,000, लेजर को छोड़ देंगे, यानी अब हम और इजी कर दे रहे हैं। लेजर तो जर्नल से इजी था, जर्नल को इजी बना दिया लेजर, अब लेजर से भी इजी है, उतना सारा लेजर भी कौन चेक करेगा, 20-25,000 अगर लेजर बन गया, 20-25 लेजर बन गया, तो कौन बार बार चेक करते रहेगा डेबिट कितना क्रेडिट कितना। एड लेस करके बैलेंस जो आता है उसको एकदम एक जगह पर पुट कर देंगे, जिसको बोलते हैं समराइजिंग, समराइज कर देंगे, समरी बना देंगे, सारांश। बुक भी लिखा रहता है पूरा स्टोरी, अगर है 20 चैप्टर है बुक में तो क्या किया जाता है, अंदर तो बुक लिखा रहता है और सबसे फर्स्ट पेज में समरी लिखा रहता है, जिसको आप लोग सब्जेक्ट मैटर बोल देते हैं, कंटेंट बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ आपका चैप्टर का नाम और पेज नंबर लिखा रहता है वही समरी है, जिससे हमको पता चल जाएगा पूरे बुक में कि क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पेज हैं, वहीं से आइडिया लग जाता है। तो चलते हैं समराइजिंग, बोलता है इट इज़ अ कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड
प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा, ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर, इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल, यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो क्या क्या इसके अंदर करते हैं, बोलता है दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द, लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या इसके अंदर बनाते हैं, फर्स्ट ट्रायल बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंसेस, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड वन इज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी में इंक्लूड है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही ट्रेडिंग आ जाता है, इसलिए कंपनियां ट्रेडिंग नहीं बनाती है। अभी के समय में जितनी कंपनी सीधा प्रॉफिट स्टेटमेंट और पीएल बनाती है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईटीसी कर दीजिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह भी इसी में आ जाएगा, ये है आपका समराइजिंग, समरी बना देना, ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना जिससे लोगों को इजीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। सबसे बड़ा लंबा प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कर देते हैं क्लासिफिकेशन, उसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कर देंगे समराइजिंग। एक जगह पे समरी तैयार कर देना सारा इन्फॉर्मेशन का। समराइजिंग के अंदर कौन कौन सा काम करेंगे, पहले ध्यान रखना रिकॉर्डिंग के अंदर जर्नल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर लेजर बनाते हैं, और समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्लियर। इसके बाद एनालाइजिंग शुरू करेंगे, और आप लोग पढ़े होंगे एनालाइजिंग का मतलब क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसके लिए जो बनाए हैं इसको डिटेल में जाके उसके लिए अकाउंटिंग रेशियोज करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, कोई दिक्कत है। आप फंड फ्लो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कॉम्परेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो एनालाइजिंग करते हैं, डिटेल चेक करते हैं, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में आपके पास प्रेजेंट हो गया या प्रॉफिट और लॉस प्रेजेंट हो गया और सेल 25 लाख का दिया है, इससे आप क्या जान लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है सेल 25 लाख का, क्या पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए का, कैसे पता चलेगा अच्छा है या खराब है, तो उसके लिए हमको कंपेरेटिव स्टडी करना पड़ेगा पिछले साल से इस साल का, कि भाई पिछले साल हमने क्या किया था, इस साल हमारा कितना कमाई हुआ। अच्छा पिछले साल 5 लाख का सेल था, इस साल हमारा सेल 8 लाख का हो गया, क्या हमारा सेल अच्छा है या खराब है। अब हम लोग एनालाइजिंग डिस्कस करते हैं, एनालाइजिंग बोलता है द टर्म एनालिसिस मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा, ऑफ द डाटा गिवेन, गिवेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट will not help anyone unless they are in simple help anyone unless they are in a simple सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म। एनालाइजिंग का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति के पास जिसको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई भी ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट बना के रख दो, ये ट्रेडिंग है, ये पीएल है, बैलेंस शीट, क्या वो जान जाएगा? क्या करेगा? जान तो सिर्फ पढ़ेगा आइटम का नाम कि डेबिट साइड में जाए, क्रेडिट साइड में जाए, नेट प्रॉफिट देखेगा, हाँ नेट प्रॉफिट चलो 5 लाख रुपए का, लेकिन क्या एनालाइज कर लेगा वो? सिर्फ इतना ही पता चलेगा नेट प्रॉफिट 5 लाख है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, कंपनी स्ट्रांग है, फिनेंशियली वीक है या स्ट्रांग है, कंपनी का डिसीजन मेकिंग कैसा है, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनी का प्रोसेस कैसा है, कंपनी का डेटर का टर्नओवर रेशियो कैसा है, कंपनी का क्रेडिटर कलेक्शन रेशियो क्या, कुछ भी नहीं मालूम। स्टॉक कितना तेज़ी से बेच देता है, परफॉर्मेंस कंपनी का क्या है, इसके मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नहीं पता। इसका करेंट लिक्विडिटी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी पावर क्या है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर क्या है, कुछ भी उस व्यक्ति को नहीं पता चलेगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, कॉमर्स छोड़ दीजिए, कुछ कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है लेकिन उनको भी नहीं पता चलता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? कंपनी बोलती है हम अपने डेटा को इतना सिंपल फॉर्म में डालेंगे, देखिए यहाँ लिखा भी होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, इतना सिंपल फॉर्म में डालेंगे कि कोई भी व्यक्ति उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आसानी से समझ सके, तभी तो कंपनी मेरी कंपनी में शेयर में पैसा लगाएगा। अगर हम उसको आसानी से डेटा अवेलेबल नहीं करेंगे, ईजी डेटा अवेलेबल नहीं करेंगे, उसको आसानी से समझ में नहीं आ जाएगा तो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा शेयर खरीदने के लिए। तो उसको हमको ऐसा डेटा उसके सामने प्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, इतने सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि ईजिली वो आसानी से समझ सके मेरी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और मेरी कंपनी में पैसा लगा सके। उसके लिए हम लोगों को एनालाइजिंग करना होगा, और एनालाइजिंग कौन करेगा? विद द हेल्प ऑफ सीए, भाई सीए ही करता है या तो उसका जूनियर करता है, वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा, पूरा डिटेल स्टडी करेगा, और डिटेल स्टडी करने के बाद अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, एनालाइजिंग रिपोर्ट। तो एनालाइज करके सबसे पहले कि प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहला चीज़ है कि एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ जानना पड़ेगा ना, चाहे वो प्रॉब्लम जानो चाहे वो सोल्यूशन, रियल में है क्या, इस कंपनी का क्या है, सेल्स कैसा है, परचेज कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर कैसा है, लॉन्ग टर्म, पहले ये जानते हैं हम लोग है क्या इस कंपनी का, उसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा क्या हो सकता था। अभी और लंबा है, इस एनालाइजिंग के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि और अच्छा क्या हो सकता था, ये तो है अभी, तो वह एक्चुअल में है क्या वो हम लोगों को कहाँ पता चलेगा? जब हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन उस डेटा को, जो एनालाइज करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा, एनालाइज करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन। बोलता है दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये बस फाइनल करना है, दिस इज द फाइनल फंक्शन, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान देना, ये फाइनली आ गया, इंटरप्रेट करने का ऑप्शन आ गया। इट इज कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग the meaning and significance, meaning and significance
ऑफ द रिलेशनशिप रिलेशनशिप एज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ये भी हम लोग, ये चार्टर्ड का ही काम है इंटरप्रिटेशन करने का। जो अब एनालिसिस कर लेते हैं तो एनालिसिस के बाद कुछ ना कुछ तो हमारे पास कंक्लूजन आएगा ना। एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन आएगा उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या रियल में है इसका और क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड अगर जितना है उतना है, मान लीजिए जिस जितना होना चाहिए उतना ही है तो बेटर है, लेकिन जितना होना चाहिए एवरेज परफॉर्मेंस उससे भी नीचे है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेहनत करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन में जब हम डिटेल चेक करते हैं तब पता चलता है। अगर डॉक्टर के लैंग्वेज में बात करें ना तो ध्यान दीजिए, डॉक्टर के लैंग्वेज में एनालिसिस क्या करता है जी, एनालिसिस करने का काम जानते कौन है, जो हमारा एक्सरे करता है, ब्लड टेस्ट करता है, वो एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस किया, रिपोर्ट बना दे दिया। और इंटरप्रेट कौन करता है, डॉक्टर करता है, उस रिपोर्ट को डेप्थ में जाके पढ़ता है और इंटरप्रेट करता है, तब उसको कम्युनिकेट करता है, तब समझाता है पेशेंट को, भैया तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम ये मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। तो यही है सीए का काम, इंटरप्रिटेशन का। उसको इंटरप्रेट किया इजीली, ऐसा समझा जिससे हर चीज़ कंपनी के बारे में उसको पता चल गया। तो एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन, जनता में हल्ला कीजिए कि हमारे परफॉर्मेंस कैसा है। तो कम्युनिकेशन करेंगे अपने मार्केट के साथ, पब्लिक के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ। बोलता है इट इज़ कंसर्न विथ द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड कॉमा एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर टू एनेबल देम टू मेक रेशनल डिसीजंस। ये है पूरा कम्युनिकेशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद कोई ना कोई तो आउटपुट निकलेगा, और जो आउटपुट निकलेगा उसको क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, अपने एम्प्लॉई के साथ उसको कम्युनिकेट करते हैं, ताकि देखो अपने डायरेक्टर को भी बताना है कि भाई ये मेरी स्थिति ये है, कंपनी के एम्प्लॉई को भी बताना है कि मेरा सिचुएशन ये है, कम्युनिकेट करना होगा। इसके लिए आपको अपने इन्फॉर्मेशन को कुछ सेलेक्टेड लोगों तक, लास्ट यूजर, एंड यूजर लिखा हुआ है, लास्ट पर्सन तक हम पहुंचाएंगे मेरी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन, एंड देन क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन। लास्ट कम्युनिकेशन कर दिए, फिर से हम लोग ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड काम है। वैसे एंड तो यही हो जाता है इंटरप्रिटेशन के अंदर, लेकिन कम्युनिकेट करने का करना बहुत जरूरी है, हम लोगों तक अपने बात को पहुंचाएंगे कैसे। क्लियर, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपने जो अकाउंटिंग कम्युनिकेशन जो किया, किसके लिए कम्युनिकेशन करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे कि सर
इंटरप्रेट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कहाँ तक कम्युनिकेट कीजिएगा, किसको इन्फॉर्मेशन कीजिएगा, वही है कम्युनिकेशन किसको कीजिएगा, कौन कौन से यूजर्स हैं जिनको अपना इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहिए। तो चलिए, कौन कौन से यूजर्स हैं जिनको अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं कंपनी के अंदर। पहला होता है इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर क्या होगा, कंपनी के अंदर होगा या बाहर होगा? हाँ, ये कंपनी का पार्ट होता है, कंपनी के अंदर ये यूजर्स होते हैं। तो ऐसे पर्सन जो कंपनी के अंदर ही होते हैं उसको इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। कौन कौन होगा? तो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर होता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स, ऑनर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही आ जाएगा। मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आता है। और इम्प्लॉई को कुछ लोग एक्सटर्नल यूजर मानते हैं, कुछ लोग इंटरनल यूजर मानते हैं। इम्प्लॉई को में कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इम्प्लॉई जो है मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उनका सेंस है कि इम्प्लॉई मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इम्प्लॉई मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो इम्प्लॉई को इंटरनल के अंदर नहीं रखते हैं। और जिन लोगों को लगता है नहीं, इम्प्लॉई भी तो बिजनेस का पार्ट है, अगर बिजनेस का पार्ट है तो बिजनेस, तो अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो इम्प्लॉई को इंटरनल के अंदर ही रखता है। तो ये डिपेंड करता है थिंकिंग के ऊपर। बहुत लोग इम्प्लॉई को मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मानता, लेकिन जेन्युइन अगर मैनेजमेंट के व्यू से देखे तो मैनेजमेंट का पार्ट इम्प्लॉई नहीं होता है। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से देखे तो अकाउंटिंग, चूंकि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें इम्प्लॉई भी इन्वॉल्व है, तो इम्प्लॉई को इंटरनल यूजर माना जाता है। बहुत लोग इंटरनल मानते हैं, बहुत लोग एक्सटर्नल मानते हैं। इम्प्लॉई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल यूजर का ही पार्ट माना जाना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में काम तो कर रहा है ना। अब इम्प्लॉई कौन सा, सबसे लोअर लेवल का या मिडिल लेवल वाला? मिडिल लेवल का इम्प्लॉई जो आएगा वो टॉप और मिडिल लेवल का इम्प्लॉई आएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये माना जाता है जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है सारे लोग इंटरनल है। एक्सटर्नल यूजर्स, फिर से ध्यान दीजिएगा, इम्प्लॉई हम क्यों लिखेंगे, किस सेंस में लिखेंगे? जो इम्प्लॉई मेरे मैनेजमेंट का पार्ट होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में मैनेजमेंट में काम करेगा, वो सारे इम्प्लॉई यहाँ पे आएंगे, जिसको ऑफिसर बोल सकते हैं। छोड़ दो, इतना ऑफिसर्स बोल सकते हैं ना, जो कंपनी के ऑफिसर्स होंगे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी के बाहर होते हैं फिर भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो पहला इन्वेस्टर, दूसरा बैंक, मनी लेंडर्स जो आपको उधार दिया, क्रेडिटर्स जिसने उधार माल बेचा, सप्लायर्स, ट्रेड यूनियन नहीं, लेबर यूनियन, आगे ट्रेड यूनियन भी बोल सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, ये सारे लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर। ये सारे लोग कंपनी के एक्सटर्नल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर का मतलब समझ गए, ये कंपनी के पार्ट नहीं होते, कंपनी के अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं, फिर भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ये चाहते हैं कि कंपनी के बारे में मेरे पास पूरा नॉलेज आ जाए। ये सारे लोग एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं, जो कंपनी के अंदर काम नहीं करते, कंपनी के बाहर होते हैं, फिर भी कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए, ऐसे यूजर को एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। और जो कंपनी के अंदर रह के भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उस यूजर को क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर। कोई दिक्कत है? तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, और दो तरह को, यही दोनों यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंपनी अपने अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करती है। एक कंपनी अपने अकाउंटिंग को कम्युनिकेट करती है, ये दोनों यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आज हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है, देखिए इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई नाम में चेंज नहीं। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब है ऐसा इन्वेस्टर जो अभी मेरा इन्वेस्टर नहीं है, बट इन फ्यूचर वो मेरा इन्वेस्टर बन सकता है। वो बनने को चाह रहा है कि हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे, अपने पास पैसा जब भी आएगा इसी कंपनी में लगाएंगे, तो वो कहलाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। टैक्स अथॉरिटी जानते हैं, वो तो जानते हो, गवर्नमेंट जानते हो, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट जान रहे हो, लेबर यूनियन, भैया लेबर यूनियन तो जाना चाहेगा ना, जहाँ देखा कि खूब कमा रहा है कंपनी तो हंगामा शुरू कर देगा, सैलरी बढ़ाओ, है ना, बोनस बढ़ाओ, तो ये सुविधा दो वो सुविधा। सप्लायर, मान लो उधार माल बेचा है तो वो भी जाना चाहेगा ना। क्रेडिटर,
मनी लेंडर जो पैसा दिया, बैंक जो आपको लोन दिया, इन्वेस्टर जो पैसा लगाया, सब लोग जानना चाहता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। अगर अच्छा रहेगा तो इन लोगों के लिए खुशी है की बात है, और ख़राब रहेगा तो सबका चेहरा मुरझाया रहेगा, डर रहेगा कि पता नहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इसलिए सारे यूजर्स जो होते हैं वो हमेशा चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, लगा हुआ है, जहाँ हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है, ये इसमें चेक करना होता है।